नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट और मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां आपको मिलेगी ताजा खबरें और धमाकेदार इंटरव्यूज और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की है, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहें सबसे आगे। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां नगरपालिका द्वारा पट्टे जारी करने में बरती गई कथित अनियमितता का मामला डीएलबी तक पहुंच गया। इसको लेकर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध हुई जांच के बाद उनसे जवाब मांगा गया। इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिशा टाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रकरण की जाँच एसओजी और एसीबी से करवाने की मांग उठाई है। उन्होंने पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया पर पट्टे जारी करने, सुमोटो में भारी अनियमितता बरतने और अपने निजी हित के लिए नियम कायदों को ताक पर रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियम विरुद्ध अपने ही पति के नाम से पट्टा जारी किया, जबकि उसकी न तो आपत्ति सूचना प्रकाशित कराई गई और न ही कई अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी की गई। यही नहीं, इसके अलावा भी पालिका अध्यक्ष ने सरकारी फाइलों को गैर कानूनी ढंग से अपने घर मंगवा कर उनमें नियम विरुद्ध कार्यवाही की है। टाक ने बताया कि अगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ दोष साबित हो जाता है तो उनके निलंबन की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। नगर पालिका में मुझे भी सूचना मिली है कि जैसा कि हमारे वार्ड नंबर 1 के पार्षद, पूर्व पार्षद जो हैं, और हमारे वार्ड नंबर 2 के पार्षद दिनेश भाटी जी, उन दोनों ने मिलकर एक शिकायत लगाई थी, जिसके बिहाफ में हमारे यहाँ पर 185 पत्रावलियाँ जो हैं, जिनकी गुम हो गई थी फाइलें, उनकी FIR भी दर्ज कराई गई थी EO द्वारा। भरत हटवाल थे जब, उन्होंने करवाई थी और भूमि शाखा से रिपोर्ट भी हुई थी, सभी वहाँ का सारा सर्च भी हुआ था नगर पालिका का, बहुत सी चीज़ें इसमें खोजी गई थी। लोग जन बहुत परेशान थे कि उनको मूल फाइलें नगर पालिका से गायब हैं। इसको इसके संदर्भ के बाद जब लोगों में आक्रोश बढ़ा, तो इस पर एक जाँच रिपोर्ट बिठाई गई राज्य सरकार द्वारा कि इसमें कौन फैक्चुअली कौन दोषी है जो इस तरह के कृत कर रहा है और लोगों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। एक एक साल से लोगों ने पैसे भरवा रखे हैं, फाइलें गुम हैं, फाइलों साइन बिना लोग तरस रहे हैं, उनके जो पैसों की राशि थी वो अब उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, लोगों को दोबारा वहन करनी पड़ेगी। इन सब के पीछे क्या कारण है कि नगर पालिका का ये हाल है? तो क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, चाहे माननीय राजेंद्र जी चचान रहे, चाहे मंजूर चेयरमैन जी रहे, फाइलें हमेशा ही घर पे आया करती थी, अवलोकन के बाद हमेशा घर चली जाया करती थी। लेकिन ये जो अगर किसी ने भी किया है तो ये व्यक्तिगत ही किसी का वो हो सकता है लालच, क्योंकि आज तक ऐसी कभी भी हमारे नौहर शहर में प्रणाली रही नहीं।